नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिष्क सोलो। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा डैशकैम लेके आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम एक अपना कार पर डैशकैम ऑलरेडी इंस्टॉल किए थे, देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आप एक मतलब सस्ता में अच्छा डैशकैम लेके आइए। मतलब बहुत लोगों का भाई बजट नहीं होता है कि 20,000 का मतलब डैशकैम पे इन्वेस्ट करें। तो भाई आज आप लोग के लिए बहुत ही मतलब कम रेंज का प्राइस में हम एक बहुत ही बढ़िया डैशकैम लेके आए हैं। ये भी कैम ब्रांड का है भाई, 70MI का। इसका ब्रांड का नेम है 70MI डैशकैम M310, इस मॉडल का नेम है। तो चलिए दोस्तों, अब इस मॉडल का क्या खासियत है, कितना अच्छा फीचर है, वो सारा चीज आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसको कार पे इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद इसका सारे फीचर सबको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, जानते हैं इस लो बजट डैशकैम में क्या क्या फीचर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, सबसे पहले आपको पैकिंग इसका काफ़ी बेहतरीन है। आप लोग ये मत समझिएगा कि भाई ये लो प्राइस का है तो इसका पैकिंग भी आपको खराब मिलेगा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पैकिंग है, 70MI का ये ब्रांड है भाई और इसका मॉडल नेम है M310। तो देखते हैं भाई इसका फीचर्स क्या क्या, इसका भी आपको फीचर्स मिल जाएगा देखने को। तो देख सकते हैं गाइस कितना बेहतरीन, आपको चार फीचर्स यहाँ को देखने को मिल जाएगा बॉक्स में। तो सबसे पहला फीचर है 1296p रेजोल्यूशन, मतलब आपको यहाँ पे 1080p से ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है आपको। सेकंड फीचर से आपको पार्किंग सर्विलेंस, इट मींस आप हार्डवेयर किट लगा के इसका पार्किंग सर्विलेंस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड फीचर से वॉइस कंट्रोल, मतलब आप इजीली बोल सकते हैं भाई कि टेक फोटो तो आसानी से फोटो ले लेगा, टेक वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो ईजिली ये काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब आपको वॉइस से पूरा कंट्रोल होगा। और फोर्थ फीचर है ऐप कंट्रोल, मतलब आप अपने मोबाइल से सारा कुछ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले भाई आपको दो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही मदद मिलता है भाई इसको आप विंडशील्ड पे चिपकाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई यूजर मैनुअल बुक, जो कि आप लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि भाई बॉक्स से निकालते हैं और इस तरह से फेंक देते हैं, बट इसको फेंकना नहीं है, बहुत ही काम का फीचर से ये। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा तो भाई इससे आपको बहुत ही जानकारी मिलेगा। और यहाँ गाइस आप देख सकते हैं आपको 5V का चार्जर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बिल्ड क्वालिटी इसका भाई अच्छा है। और यहाँ मिल जाएगा आपको केबल, देख सकते हैं केबल। और यहाँ पे भाई आपको एक टूल्स मिल जाएगा जिसकी मदद से आप केबल को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3mm का टैप, अगर बाय मिस्टेक आपका किसी तरह उखड़ जाएगा तो फिर से आप इस टैप को यूज कर सकते हैं। और फाइनली गाइस आप देख सकते हैं हमारा कैमरा, तो ये रहा गाइस 70MI का कैमरा, देख सकते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी कितना मजबूत है भाई। और यहाँ पर वेंटिलेशन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। ये भाई चार्जिंग सॉकेट है जिससे कि आपका पावर मिलेगा इसमें। ठीक है, बहुत सारे वेंटिलेशन है, 4 वेंटिलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिंग शेप में LED लाइट जो कि ब्लिंक करेगा रेड ब्लू और ग्रीन में। और ये आपको माइक मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं भाई 1296p रेजोल्यूशन का कैमरा। और यहाँ पे आपको माउंट मिल जाएगा जिससे आप आसानी से आप विंडशील्ड पर इसको चिपका सकते हैं, स्क्रू से आप इसको ढीला भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस अब इसको इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो देख सकते हैं हम इस वायर को अच्छी तरह से भाई इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ से देख सकते हैं ये सॉकेट है, ये चार्जर है। ठीक है, इसको अंदर लेके वायर को, और इस वायर को बिल्कुल इसका अंदर लेके यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक ले गए हैं और यहाँ पर अभी रखे हैं इस वायर को इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कैमरा को इंस्टॉल करने से पहले हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर को यहाँ पर चिपकाएंगे भाई। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर को हम यहाँ पर चिपका देते हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसे अच्छी तरह से विंडशील को साफ़ कर लें अच्छी तरह से, अगर मॉलिक्यूल वगैरह रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम इसको चिपका देते हैं, चिपक गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कैमरा को सबसे पहले हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं चिपकाएंगे, इसमें सबसे पहले मेमोरी कार्ड इंस्टॉल कर लेंगे हम। इंस्टॉल हो गया मेमोरी कार्ड, अब हम क्या करेंगे इस पर कनेक्ट करेंगे जिससे हमारा कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। और हम ऐप कंट्रोल से देख रहेंगे, दूसरा मोबाइल से ऐप कंट्रोल से देखेंगे कि सही पोजीशन में किस जगह पर रहेगा। तो हमारा हम देख लिए थे इससे ऑलरेडी पहले, इस जगह पे हमारा सही पोजीशन हमारा आ रहा है, सही पोजीशन। ठीक है, मतलब बिल्कुल राइट पोजीशन हमारा यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ पर चिपकाने वाले हैं। तो इसको भाई हम यहाँ से हटा दिए, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सीधा चिपकाना हो। ठीक है, अब यहाँ से आप कैमरा के एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं अपना मोबाइल की ऐप कंट्रोल से। आप क्या करेंगे, इस वायर को हम फिर से इसके मदद से हम अंदर डाल देंगे, कैमरा जो है इंस्टॉल हो गया।
तो चलिए गाइस, अब इसका वीडियो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और सबसे पहले इसका क्या क्या ऐप कंट्रोल किस तरह से होने वाला है वो चीज़ आपको सर दिखाते हैं। तो गाइस, इस M310 डैशकैम का बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि इसको आप ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ऐप से हम कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ही ऐप से कंट्रोल किया भाई, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल इस रिकॉर्डिंग आपको सारा कुछ दिख रहा है किस तरह से फीचर है। अगर हम यहाँ से स्क्रू को ढीला करते हैं तो इसे हम कैमरा का एडजस्ट कर सकते हैं एंगल को। देखिए देखिए, कैमरा का एंगल हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको परफेक्ट लग रहा भाई इस जगह पे, तो यहाँ पे हम स्क्रू टाइट कर दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए गाइस, जब जानते हैं कि इस ऐप से आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से आप ऑडियो को ऑफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे साउंड सुनेगा, ठीक है। जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे आपको बताएगा, देखिए ऑडियो रिकॉर्डिंग इज ऑन। और यहाँ से आप टेक पिक्चर ले सकते हैं, पिक्चर फोटो खींच सकते हैं। देखिए फोटो खींचा गया। सबसे पहले जाते हैं सेटिंग पे। सेटिंग में आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखिए वीडियो इनकोडिंग फॉर्मेट आपको हाई कंप्रेशन में ही रखना है। अगर लो क्वालिटी का मोबाइल है तो आप इसको लो में करके रखना, ठीक है, अदरवाइज आपका मोबाइल हैंग करेगा। वीडियो रिजोल्यूशन आपको देख सकते हैं किस के रखना है आपको, 2304x1296 30 FPS में रखना है या 1920x1080 30 FPS में रखना है। तो हम भाई इसी पे रखेंगे क्योंकि इस पर ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का पिक्चर आपको आएगा। वीडियो क्लिप ड्यूरेशन यहाँ पे आप कितना मिनट रख सकते हैं, तो हम 3 मिनट का रखेंगे। यहाँ पे 70 mAh को लोगो आपको रखना कि नहीं रखना है, तो भाई हमको रखना है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंटी फ्लिक 60Hz में हमारा, ठीक है। और ये पार्किंग सिक्योरिटी है, ये आपको फीचर सभी काम करेगा। जब आप हार्डवेयर किट इंस्टॉल कीजिएगा तभी आपको ये फीचर सारा काम करेगा। ड्यूरेशन 24 आवर करेगा, कोलिजन डिटेक्शन रहेगा। अगर आपका कार किसी से टकराते बचेगा तो आपको डिटेक्ट करते रहेगा, ठीक है। टाइमलेस फोटोग्राफी मतलब आपको 30 मिनट का वीडियो आपको 1 मिनट दिखा देगा, वो टाइमलेस करेगा वीडियो, ठीक है। इमरजेंसी वीडियो आपको इसमें अवेलेबल है, आप इसमें इमरजेंसी वीडियो भी बना सकते हैं। और इमरजेंसी वीडियो को मतलब रहेगा किस तरह से, अगर किस तरह का मतलब आपको कोई गाड़ी टकराता है कहीं, ठीक है, तो आपको इमरजेंसी वीडियो के से अलग से फोटो बन जाएगा, जिसका सेंसिटिविटी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो हम अभी इसका देख सकते हैं इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग का सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से हाई कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और लो कर सकते हैं। तो हमको फिलहाल रखना है मीडियम पे, तो मीडियम पे रखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ पे वॉइस कंट्रोल को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे ऑन है भाई, ऑन ही रहने दीजिए। ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज हमारा इंग्लिश में है भाई। ऑटो ऑफ आफ्टर स्टॉप, गाड़ी जब स्टॉप हो जाता है हमारी गाड़ी मतलब खराब हो जाता है, आइडल कंडीशन रहता है, तो हम चाहते हैं कि कितना मिनट हमारा रिकॉर्डिंग होते रहे, जैसे भी गाड़ी हमारे खड़ा रखा है, ठीक है। तो कितना मिनट रिकॉर्डिंग होगा, तो 5 मिनट 10 मिनट और 20 मिनट, आप कितना रखना चाहते हैं। तो हम भाई 5 मिनट तक रखना चाहते हैं, 5 मिनट यार रिकॉर्डिंग होते रहेगा भाई, उससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ता है। इसे आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, तो हमारे लिए भाई 5 मिनट काफी है। और वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग, यहाँ से आप वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग को सेटिंग भी कर सकते हैं, अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। बट हम पासवर्ड नहीं बदलेंगे क्योंकि इजीली पासवर्ड है इसका, बहुत इजी पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यही पासवर्ड रहने का, अदरवाइज हम कई बार भूल जाएंगे पासवर्ड, तो हमको दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम वही पासवर्ड को रहने देंगे जो कि कैमरा के साथ ऑलरेडी आया हुआ है। डेस्क कैम टाइमिंग सेटिंग, इसको आप टाइमिंग सेटिंग का सेटिंग भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं और यहाँ देखते हैं डेट फॉर्मेट, हमारा ईयर है, मंथ है, डेट है, तो इसको हम चेंज कर देंगे भाई, हम डेट मंथ एंड ईयर का रखेंगे हम। और यहाँ से फॉर्मेट मेमोरी कार्ड, यहाँ से मेमोरी कार्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं ऑन ऑफ को, मतलब आप चाहते हैं कि हम मेरे कार्ड हम जब भी तो फॉरवर्ड कर दे तो इसको ऑफ रखना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि फॉरवर्ड हम करते रहेंगे भाई, तो इसको हम ऑन करके रखेंगे। इसका अबाउट में जाकर देख सकते हैं 70 mAh का जितना फीचर्स ये आपको बता देगा, जैसे कि डिवाइस नेम, इसका डिवाइस का नेम क्या है, 70 mAh डेस्क कैम M310 इसका मॉडल नेम है। रिटायर्ड डिवाइस लोगों इसको हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉरवर्ड मेमोरी कार्ड, यहाँ से मेमोरी कार्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं ऐप के कंट्रोल से। अदरवाइज इसको आप यहाँ से 5 बार दबाइएगा तो आपको मेमोरी कार्ड फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और फैक्ट्री रिसेट, सॉरी, और 4 बार इसको दबाइएगा तो आपको मेमोरी कार्ड फॉरवर्ड हो जाएगा, और 5 बार दबाइएगा तो आपका फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा, ये जितना फीचर्स इसका फिर से रिसेट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देख सकते भाई, बिल्कुल हमारा बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है, इसको बड़ा भी करना चाहते हैं, बिल्कुल बड़ा स्क्रीन देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए गाइज, अब हम रोड पे चल के देखते हैं ये कितना डिटेक्ट कर पाता है। तो चलिए गाइज, आपको 70 mAh M310 मॉडल का इसका क्या क्या एडवांस फीचर है वो चीज सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए गाइज, सबसे पहला एडवांस फीचर इसका ये है लूप रिकॉर्डिंग। सबसे पहला एडवांस फीचर हम इसको मानते हैं कि आपको बार बार आपको मेमोरी कार्ड खोल के आपको जितना पुराना फोल्डर है उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पुराना वीडियो को ऑलरेडी डिलीट करते जाएगा और नया वीडियो को रिकॉर्डिंग करते जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इमरजेंसी वीडियो को भी वो डिलीट कर देगा। इमरजेंसी वीडियो को और पार्किंग सर्विलेंस जो वीडियो होता है वो आपको एक अलग सा फोल्डर में रखता है, उसको डिलीट नहीं करता है। जो ये नॉर्मल वीडियो होता है उसको डिलीट बार बार करते रहता है पुराने वीडियो को, और फिर से नया रिकॉर्डिंग आपको इसमें रिकॉर्डिंग ऑन होते रहेगा। इससे आपका ये बेनिफिट है कि आपको बार बार आपको मेमोरी कार्ड खोल के आपको बार बार पुराना वीडियो को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका मेमोरी कार्ड फुल कभी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इसका बहुत ही तगड़ा फीचर हमको ये है भाई कि इमरजेंसी वीडियो, ठीक है, इमरजेंसी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। मान के चलिए आपका गाड़ी आराम से चला रहे हैं और अचानक कोई भी मतलब गड्ढा टकरा गया, मतलब कोई भी कोलिजन हुआ किसी प्रकार का, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि आप पूरा स्पीड चला रहे हैं और अचानक से कोई गड्ढा है जिससे हमारी गाड़ी बहुत झटका लगा गाड़ी को, जिससे जिसको कोलिजन मतलब झटका लगेगा गाड़ी में कोलिजन डिटेक्ट करेगा, तो ये तुरंत एक इमरजेंसी वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। सपोज डेट कि हमारा कार से कोई अचानक से कोई टकरा गया तो इसको लग जाएगा भाई कोई चीज़ धमाका हुआ हमारे गाड़ी के साथ,
तो ये तुरंत वीडियो को इमरजेंसी वीडियो उसको अलग फोल्डर में वो रखता है इमरजेंसी वीडियो को, और वो एक मिनट का वीडियो तुरंत अलग फोल्डर में वो बना के रख देता है। तो ये आपके लिए फायदा है, मतलब कभी भी आप रिकॉर्डिंग कभी फोल्डर से निकालिएगा तो आपको खोजने की जरूरत नहीं है कि किस जगह पर वो इमरजेंसी वीडियो था, ठीक है, वो अलग से एक फोल्डर में सेपरेटली रखता है। तीसरा इसका भाई एक अच्छा सा फीचर्स है कि वॉइस कंट्रोल, देखिए अभी हम इसको बोलेंगे, जैसे कि अभी हम बोलेंगे टेक फोटो, देखिए ये फोटो ले लिया, लॉक द वीडियो, टर्न ऑन ऑडियो, टर्न ऑफ ऑडियो, इस तरह से जितना भी बोलते जाएंगे ये सारा चीज इसको फॉलो करेगा। और इसका फोर्थ फीचर ये है भाई ऐप कंट्रोल, ठीक है, ऐप कंट्रोल से आप इजीली इसको लाइव फुटेज देख सकते हैं, इसका जितना भी कुछ भी डाउनलोड हुआ है उसको फोल्डर को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जिससे आप चाहते हैं कि हम उस टाइम के गए थे वहाँ पर, वो चीज़ को हम वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो उस चीज़ को आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप ऐप कंट्रोल से आप सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि सेंसिटिविटी बढ़ा दें, जिससे कि इसका हमको सेटिंग से चेंज करना है कि फॉर्मेट चेंज करना है वीडियो का फॉर्मेट, तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप सेटिंग पे जाके इसका जितना भी छिड़कानी करना है उसका सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और इसका फिफ्थ पॉइंट है टाइप सी का इंटरफेस, यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइप सी का इंटरफेस है, सॉरी इधर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो केबल है टाइप सी का है। इससे क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम मतलब मोबाइल में हम डाउनलोड ना करके हम सीधे लैपटॉप में हम ट्रांसफर करेंगे डाटा, तो जितना भी वीडियो है इसको ईजिली आप डाटा से ट्रांसफर कर सकते हैं। और छठा पॉइंट इसका है पार्किंग सर्विलेंस, मतलब आपका गाड़ी रात में खड़ा है, ये 24 आवर कहीं गाड़ी खड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग होते रहे एनी टाइम होते रहे, तो मान के चलिए हमारी गाड़ी पार्किंग पर भी लगा दिया, चल गए कहीं हम बाहर, ठीक है, तो हमारा वीडियो क्या है और ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग होते रहेगा 24 आवर तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैटरी को ड्रेनेज कर देगा, इसका इतना अच्छा फीचर है कि बहुत ही कम वोल्टेज, जब गाड़ी खड़ा रहेगा ना तो बहुत ही कम वोल्टेज पर आपको ये मतलब प्रोवाइड करेगा, बहुत ही कम वोल्टेज आपको ये इसमें लेगा, ठीक है, जिससे आपका बैटरी कभी डैमेज नहीं होगा। और सातवां पॉइंट इसका मुझे ये लगा टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग, मतलब आप पार्किंग पे लगा दिया गाड़ी को, ठीक है, और आप चाहते हैं टाइम लैप्स पे इसको ऑन करके रख दिए, तो क्या होगा 30 मिनट का वीडियो 1 मिनट में कन्वर्ट करके रख देगा आपको। तो चलिए गाइस अब इसको हम रोड पे चला के देखते हैं कि ये कार का नंबर प्लेट को कैप्चर करता है कि नहीं करता है। चलिए देखिए इस ट्रक के पीछे नंबर है, ठीक है, तो इसको हम भाई बिल्कुल सामने ले जाते हैं। इस गाड़ी का नंबर है भाई OD04R7391। अभी तो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसका स्क्रीन नहीं है, तो हम इसको साइड पे स्क्रीन पे लगा देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसका नंबर प्लेट को इसको अच्छी तरह से ये कैप्चर कर पाया कि नहीं कर पाया। चलिए अब रोड पे थोड़ा चलाते हैं और इसका व्यू देखते हैं किस तरह से व्यू आता है। और इसका बहुत अच्छा व्यू ये लेता है कि भाई कि आप ट्रिपल रोड को ये कवर करता है, मतलब आप बीच वाला चल रहे हैं, इधर भी लेना है इधर भी लेना है, तो ये ट्रिपल रोड को जो है अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं इसका, ठीक है, इस कार का भी देखना चाहते थे हम। चलिए कोई बात नहीं, इस बाइक वाले को देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इस बाइक वाले का नंबर प्लेट को कैप्चर कर रहा है कि नहीं। हालांकि इस बाइक वाले का नंबर प्लेट काफ़ी छोटा है, फिर भी हम ट्राई करेंगे, शायद आप लोगों को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई दे रहा है पता नहीं, बट हम बाद में देख लेंगे इसको। चलिए उस स्कॉर्पियो एन का नंबर प्लेट को कवर करने की कोशिश करेंगे, हम इसका पीछे पीछे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको स्कॉर्पियो एन का हम नंबर प्लेट बताना चाहते हैं JH01FL0101। देखते हैं ये कैप्चर किया कि नहीं किया है, इससे साफ साफ पता चल जाएगा। मतलब हम लोग को भाई सबसे ज़्यादा उम्मीद ये रहता है कि हम डैश कैम लगा रहे हैं तो कोई भी एक्सीडेंट किसी प्रकार को हो जाए तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट हमको अच्छी तरह से कैप्चर होना चाहिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। देखे ब्रेजा का नंबर प्लेट कर कैप्चर कर रहा है सोनू जी, मोबाइल तो दिखेगा ना, देखना चाहते हैं। तो ये रहा गाइस ये मॉर्निंग का लाइव फुटेज, ठीक है, अब हम शाम का फुटेज देखने वाले हैं, मतलब रात में भी आपको दिखाएंगे फुटेज इसका कि किस तरह से इसका नाइट फुटेज है, वो चीज़ भी आपको दिखा देंगे हम। देखिए यहाँ पे जैसे पुलिस वाले भाई साहब रोक रहे हैं गाड़ी को, धीरे जाओ, वो सारा कैप्चर हो जाएगा। अगर पुलिस वाले आपके साथ कुछ गलत तरीका से पैसा ले रहे हैं तो आप यहाँ पे सारा कुछ मेंशन हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप इसको बाद में प्रूव कर सकते हैं कि आपका गलती था या नहीं गलती था। आपको बोलेगा कि आप गलत रूट पर आके आपको फाइन देना पड़ेगा, गलत रूट में आए थे, लेकिन आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि नहीं हम गलत रूट पर नहीं आए थे हम। तो चलिए गाइस अभी आप लोग का हम नाइट का व्यू दिखाते हैं।
70 MI, इसका मॉडल नंबर है भाई M310। तो देखते हैं कि इसका नाइट फुटेज किस तरह से आ रहा है। सबसे पहले देख सकते हैं ये ऑटो, इसका तो नंबर प्लेट भाई हमको नहीं दिख रहा, तो कैमरा में क्या देखेगा। चलिए भाई चलते हैं बाइक वाले को देखते हैं। हम डे का फुटेज देखे घर जाके, काफ़ी बेहतरीन है भाई। इसका क्वालिटी जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इससे पहले जो हमारा कैमरा था और ये वाला जो कैमरा है, मतलब कोई अंतर नहीं लग रहा है। कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब कम बजट का ये कैमरा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लो क्वालिटी का वो फुटेज आएगा, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल उतना ही अच्छा क्लियरिटी आ रहा है। चलिए यहाँ पे भाई ट्रक वगैरह है, कार भी है, ट्रक भी है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं इसका नंबर प्लेट। ये ऑल्टो वाला का नंबर प्लेट तो भाई हमको नहीं दिखाई दे रहा है इसका क्रोम के कारण। चलिए इस ट्रक का नंबर प्लेट देखते हैं, ट्रक का नंबर प्लेट क्या है, B5740। चलिए ऊपर वाला तो नहीं दिखाई दे रहा भाई, इसका देखते हैं UP60T1735। ये डॉगी आ गया क्या, हट जा भाई हट जा। JH10CU8432 आई थिंक कवरेज कर रहा होगा अच्छी तरह से। तीनों लेन को कवरेज करना कर रहा है कि नहीं ये भी चेकआउट करना पड़ेगा नाइट के टाइम। देखिए इस बोर्ड में लिखा हुआ है 80, ये कवरेज किया कि नहीं वो भी चेकआउट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा कार है भाई साइड में, साइड वाला थोड़ा व्यू देखना चाहते हैं कि साइड वाला कार का नंबर प्लेट कवरेज कर पा रहा है कि नहीं। ये वाला नंबर प्लेट JH10BS0530, कार पहचाना पहचाना लग रहा है। और यहाँ पे और एक डिजायर है भाई जिसका कार का नंबर है JH09Z1502। तो गाइस यही है नाइट का व्यू। तो दोस्तों अगर आप लोग भी देख रहे हैं रिलायबल एंड इजी टू यूज एंट्री लेवल डैश कैम, तो भाई M31 इज द बेस्ट चॉइस फॉर योर कार। और दोस्तों अगर आप लोग इस डैश कैम को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि इसका प्राइस अभी बहुत सस्ता है भाई। आप लोग लेना चाहते हैं बिल्कुल अभी ले सकते हैं, क्योंकि इसका रेगुलर प्राइस होता है 4,199 रुपया, बट अभी इसका प्राइस है सिर्फ 3,999 रुपया। तो भाई जल्दी से जाओ और ले लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।